हेलो स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल सब्जेक्ट हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इननेस कॉन्टिनम तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ हेल्थ क्या होती है तो जो हमारी हेल्थ होती है वो हमारे प्राइमरी राइट right होता है ठीक है एक इंडिविजुअल का प्राइमरी राइट right होता है हेल्थ ठीक है अगर हेल्थ अगर हमारी एब्सेंस है अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा इंडिविजुअल का और लाइफ की जो अच्छी क्वालिटी है और जो लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए अच्छी हेल्थ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है ठीक है और हेल्थ को मेंटेन रखना एक ख़ुद की पर्सनल बोलते हैं जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि खुद को भी अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहिए अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ डेफिनेशन क्या है हेल्थ की डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं जो 1948 में दी थी डब्ल्यूएचओ ने ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबिंग एंड नोटली द एबसेंस ऑफ डिजीज एंड इनफॉर्मिटी मींस क्या मतलब है इसका कि uh, जो हेल्थ है हमारी उसमें क्या है कि जो सिर्फ ये एबसेंस ऑफ डिजीज नहीं है हमारी हेल्थ ठीक है, है? मतलब कि हमारी हेल्थ ऐसे नहीं है कि सिर्फ एबसेंस ऑफ डिजीज है बल्कि उसके साथ साथ में ये है कि कंप्लीट फिजिकल फिजिकली मेंटली एंड सोशली भी हम आ, हमारी जो हेल्थ है, है, है वो भी अच्छे से मतलब बोल सकते हैं तंदुरुस्त होनी चाहिए वेलबिंग होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें डिजीज़ नहीं है तो हमारी हेल्थ अच्छी है नहीं उसके साथ साथ में फिज़िकली मेंटली सोशली भी वेलबींग होना चाहिए ठीक है थीके? उसके बाद में हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम बायो बायो मेडिकल कॉन्सेप्ट बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है कि पहले हम चारों का नाम देख लेते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट देन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट देन देखते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनली हेल्थ हैज बीन व्यूड एज एन एबसेंस ऑफ डिजीज एंड इफ वन वाज फ्री फ्रॉम डिजीज देन द पर्सन वाज कंसिडर्ड हेल्दी दिस कॉन्सेप्ट हैज़ द बेसिस इन द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज मतलब इस कॉन्सेप्ट में क्या माना गया है कि जो डिजीज है या फिर मतलब जो हेल्थ है वो सिर्फ एबसेंस ऑफ डिजीज है ठीक है फ्री फ्रॉम डिजीज है सिर्फ ये ही इसमें माना गया है और ये जर्म थ्योरी जो है डिजीज की उसके बेसिस पे मन जर्म थ्योरी कौन सी है क्या होता है जर्म थ्योरी में कि जो बैक्टीरिया है उनकी एब्सेंस होना ही डिजीज डिजीज माना गया है या फिर बैक्टीरिया की प्रेजेंस को में जो डिजीज होती है उसको माना गया है तो इस कॉन्सेप्ट में कि क्या अवधारणा है कि जो जो डिजीज है उनकी एब्सेंस ही हेल्थ है ठीक है और मतलब इसके इसका क्या मतलब है इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बॉडी है वो एक लाइक like, मशीन है ठीक है तो अगर अगर उस मशीन में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है ठीक है डिजीज हो गई ठीक है तो वो उसके लिए मेडिकली उसको ठीक किया जाता है ठीक है उस मेडिकली उस मशीन की मरम्मत की जाती है तो ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है देन सेकंड है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ इज व्यूड एज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एन्वायरमेंट एंड डिजीज इज माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट मतलब इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है इसमें इस कॉन्सेप्ट में, इस में ये बताया गया है कि जो ह्यूमन है ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में जो एडजस्टमेंट है जो इक्विलिब्रियम है दोनों के अंदर वो ही हेल्थ है ठीक है तो अगर ह्यूमन uh, और इन्वायरमेंट के बीच में माल एडजस्टमेंट होगा तो उससे डिजीज होने के चांसेस होते हैं ठीक है थीके? इस कॉन्सेप्ट में ये बत, बताया गया है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इन्वामेंट ही रेस्पॉन्सिबल हो डिजीज के लिए और भी फैक्टर होते हैं देन थर्ड है साइको सोशल कॉन्सेप्ट साइको सोशल कॉन्सेप्ट इसमें क्या बताया गया है कि हेल्थ इज नॉट ओनली बायोमेडिकल फिनोमिना बट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल साइकोलॉजिकल कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द पीपल कंसर्न इस में क्या बताया है कि जो हेल्थ है वो सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना पे ही नहीं है बायोमेडिकल हमने क्या पढ़ा था सिर्फ हेल्थ किसी डिजीज की होना किसी बैक्टीरिया की वजह से ठीक है इन सब की वजह से तो इसमें बताया है कि सिर्फ वही कारण नहीं होता है ठीक है कि भाई जो बायोमेडिकल फिनोमिना है सिर्फ वही कारण नहीं होता है हेल्थ का और भी कारण होते हैं जैसे कि सोशल होता है साइकोलॉजिकल कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होता है जो इंडिविजुअल की हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं देन है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट इज द सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबो कॉन्सेप्ट मतलब इस कॉन्सेप्ट में क्या है जो हमने ऊपर जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सब का Uh, जो हम अपन मिक्स बोल सकते हैं इट इज रिकोगनाइज द इंस्टेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ हेल्थ इसमें बताया गया है कि जो हेल्थ पे जो, पे ये सब चीजें इफेक्ट डालती हैं जैसे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल ये सब हेल्थ पे इफेक्ट डालती हैं Then पढ़ते हैं अपन हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ हेल्थ मीनिंग ऑफ हेल्थ हमने ऊपर देखा है अभी फ्री फ्रॉम इलनेस या फिर इंजरी बोल सकते हैं हेल्थ uh, को ठीक है और मीनिंग ऑफ इलनेस क्या हो सकती है मीनिंग ऑफ इलनेस हो सकता है स्टेट या फिर कोई कंडीशन ऑफ सिकनेस अफेक्टिंग द बॉडी और माइंड ठीक है तो क्या होता है हेल्थ हेल्थ और इलनेस कॉन्टिनम का क्या मीनिंग होता है कि एक इंडिविजुअल है ठीक है उसकी हेल्थ चेंज होती रहती है ठीक है वो आ, मतलब उसकी जो हेल्थ है वो इलनेस की तरफ भी जाती है और इलनेस से वापस हेल्थ की तरफ भी आती है ठीक है मतलब डिजीज से उसकी कंडीशन अच्छी हेल्थ की तरफ जाएगी और अच्छी हेल्थ से डिजीज की तरफ जाती है वो चेंज होती रहती है उसकी कंडीशन ठीक है तो इसमें क्या बताएं मेजर पर्सन परसीव लेवल ऑफ वेलनेस मतलब हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम एक अपन स्केल मान सकते हैं ठीक है ठीके? एक तरह का स्केल है मेजरमेंट है जिससे इंडिविजुअल क्या है वेलनेस को परसीव करता है लेवल ऑफ़ वेलनेस को परसीव करता है इस स्केल में क्या होता है कि जो इसके इस स्केल के जो अपोजिट एंड्स होंगे उन अपोजिट एंड एंड्स को हम वन एंड जो एंड है उसको हम हेल्थ मान सकते हैं एंड अदर हैंड एंड को हम इलनेस या फिर डिजीज़ मानते हैं ठीक है और इन दोनों के बीच में काफी दूरी होती है ठीक है फ्रॉम हाई लेवल ऑफ हेल्थ मतलब इसमें इस स्केल इस में क्या होता है एक हाई लेवल ऑफ हेल्थ है एक पर्सन की ठीक है उस कंडीशन से वो पर्सन मूव करता है गुड हेल्थ की तरफ ठीक है फिर गुड हेल्थ से मूव करेगा नॉर्मल हेल्थ की तरफ फिर नॉर्मल हेल्थ से पुअर हेल्थ की तरफ देन पुअर हेल्थ से एक्सट्रीमली पुअर हेल्थ एंड एक्सट्रीमली पुअर हेल्थ के बाद में वो डेथ की तरफ जाएगा ठीक है देन पीपल मूव बैक एंड फोर्थ विद इन दिस कंटिन्यूम डे बाई डे तो इसमें इसमें क्या होता है कि जो आ, इस स्केल इस में क्या होता है कि अगर पेशेंट जो कोई पर्सन है उसमें हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है तो वो जो एक्सट्रीमली पुअर हेल्थ है अब डेथ से तो वापस नहीं आ पाएगा लेकिन जो एक्सट्रीमली पुअर हेल्थ है उससे वापस आ सकता है वो ठीक है हाउ हाउ पीपल परसीव देमसेल्फ एंड मतलब इसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल वो अपने आप हाँ को कैसे देखता है या फिर दूसरे उसको कैसे देखते हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि वो इस पैरामीटर इस स्केल पर कौन सी पोजीशन पे खड़ा है ठीक है? या तो वो गुड हेल्थ पे है या नॉर्मल हेल्थ पे है या फिर वेरी सीवियर इलनेस पे है वो तो ये है हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम मॉडल इससे हम समझ सकते हैं तो न, ये एक स्केल होता है जिसमें पर्सन की कंडीशन हाई वेलनेस से सीवियर इलनेस या फिर डेथ की तरफ हम शो uh, करते हैं ठीक है वेरी इल वेरी इलनेस से वेरी वेल well की तरफ और ये बीच में जो नॉर्मल हेल्थ वो न्यूट्रल पोजिशन मान सकते हैं हम ठीक है एक जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन है वो अलग अलग जो कंडीशन है हेल्थ की और इलनेस की वो एक्सपीरियंस करता है ठीक है और तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है वेरी गुड या फिर वेरी सीवियर भी हो सकता है तो उसका जो ये एक्सपीरियंस है वो एक दिन में हर मिनट में चेंज होता रहता है ठीक है हेल्थ का कुछ टाइम में हम हमारी कंडीशन है वो कई बार हमको खराब लगेगी कि भई हम नहीं आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है और कई बार हमें हमारी कंडीशन बहुत अच्छी भी लगती है तो इसमें क्या है कि जो इ, स्केल है उसमें जो ये वेलनेस टू हाई लेवल की हाई हाँ लेवल की तरफ जो है जो ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन आपको दिख रहा है इससे हाई लेवल वेलनेस की तरफ हम चलेंगे तो इसमें हम तीन पॉइंट ऐड कर सकते हैं जैसे कि अवेयरनेस एजुकेशन और ग्रोथ इन सबसे हम इन सब के इन तीनों को मिला के हम हाई लेवल वेलनेस अचीव कर सकते हैं हाई लेवल की हेल्थ अचीव कर सकते हैं जैसे अवेयरनेस तो अवेयरनेस को हम कैसे समझ सकते हैं जैसे अभी कोविड चल रहा है तो उसमें हम अवेयर हैं कि हमको घर पे रहना है हैंड वॉशिंग करना है मास्क का यूज करना है ठीक है एजुकेशन का क्या मतलब है कि प्रॉपर एजुकेशन है हमें उस डिजीज़ के लिए ठीक है है ना उसके उसके बारे में सब कुछ पता है वो कैसे क्या हो रही है और ग्रोथ ग्रोथ का मतलब क्या है हम अपनी हेल्थ को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं ठीक है बाय योगा मेडिटेशन या प्रॉपर डाइट लेकर तो हम हाई लेवल इलनेस को हाई सॉरी हाई लेवल वेलनेस को अचीव करेंगे ठीक है और उसके बाद में जो ये एरो हम नॉर्मल हेल्थ से जो डेथ की तरफ जो एरो जा रहा है उसमें हम क्या क्या इंडिकेटर करते हैं कि इसको हम मान सकते हैं कि नॉट गुड इसकी तो नॉर्मल हेल्थ से डेथ की तरफ चलेंगे तो हम इसमें भी मान सकते हैं पहले तो नॉट गुड ठीक है उसके बाद में वेरी इल कंडीशन दिखेगी उसके बाद में डेथ की कंडीशन आती है तो इसमें सबसे पहले क्या दिखते हैं हमको साइन सिम्टम दिखेंगे हेल्थ के डिसेबिलिटी हो जाएगी ठीक है उसके बाद में डेथ होगी ठीक है तो साइन सिम्टम में क्या साइन क्या है जो दूसरे हमारे अंदर देखेंगे क्या क्या साइन आ रहे हैं इसमें डिजीज के सिम्टम्स है जो खुद फील करेंगे और डिसेबिलिटी क्या मतलब है कि? कि हम किसी काम को करने में एबल नहीं होंगे ठीक है नी वर्क और उसके बाद में डेथ की तरफ में मतलब डेथ से वेलनेस की तरफ हम एक एरो इमेजिन करते हैं जिसमें कि जो हमें क्या दिखाएगा जो हमें दिखाएगा ट्रीटमेंट जिसमें पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं मतलब इल डेथ से तो नहीं लेकिन डेथ से जो पहले की स्टेज है वेरी सीवियर इलनेस से उससे पहले उससे पहले हम राइट right साइड की तरफ आएंगे तो हमको हेल्थी होने के लिए ट्रीटमेंट चाहिए होगा ठीक है तो हम हम हेल्थ को अचीव करेंगे ठीक है तो ये मॉडल क्या है एक नर्स की हेल्प करता है टू सेव हर पेशेंट फ्रॉम डेथ एंड मेंटेन गुड हेल्थ ठीक है तो नर्स की हेल्प करेगा अपने पेशेंट को डेथ से बचाने के लिए और उसकी अच्छी गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए उसकी हेल्प करेगा ठीक है तो ये हमने आज पढ़ा हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ थैंक यू